दोस्तों, इंटरनेट से पैसा कमाने के कई तरीके हैं। इनमें से एक तरीका शेयर मार्केट का है, इसे स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, जहां आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। आइए जानें शेयर मार्केट क्या है और इससे पैसा कैसे कमाते हैं। बेसिकली शेयर का मतलब होता है हिस्सा। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ बहुत से कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार की भाषा में बात करें तो शेयर का अर्थ है कंपनियों में हिस्सा। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ने कुल 10 लाख शेयर जारी किए हैं। आप कंपनी के प्रस्ताव के अनुसार जितने अंश यानी शेयर खरीद लेते हैं, आपका उस कंपनी में उतना ही मालिकाना हक हो गया, जिसे आप किसी अन्य खरीदार को जब चाहे तब बेच सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ लोग या तो बहुत पैसे कमा लेते हैं तो कुछ लोग सारे पैसे गवा देते हैं। अब जानते हैं शेयर मार्केट में शेयर कैसे खरीदे जाते हैं। शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट के जरिए नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। इसके भी दो तरीके हैं। पहला, किसी ब्रोकर यानी दलाल के पास जाकर एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा, आप बैंक खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास किसी बैंक की एक सेविंग अकाउंट होनी चाहिए, जो कि आपके डीमैट अकाउंट से लिंक्ड होगा। डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर के पैसे रखे जाते हैं, जिस तरह हम किसी बैंक के खाते में अपने पैसे रखते हैं, ठीक उसी तरह। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी को मुनाफा होने के बाद आपको जितने पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे। यहाँ से आप बैंक अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब जानते हैं कि आप शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं। या तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या फिर दलाल या ब्रोकर के जरिए खरीद सकते हैं, या फिर इंडियन पब्लिक ऑफरिंग के तहत खरीद सकते हैं। अब जानते हैं शेयर मार्केट में शेयर कब खरीदें। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले शेयर मार्केट की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जितना प्रतिशत पैसा कमाने का चांस रहता है, उतना ही पैसा गंवाने का भी रहता है। इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की जानकारी रहनी चाहिए कि कंपनी किस प्रकार से इसका शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है। इसलिए शुरुआत में छोटा छोटा इन्वेस्ट करें और एक्सपीरियंस लेते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात इस क्षेत्र की यह है कि कई कंपनियां फ्रॉड रहती है, जो कि शेयर इन्वेस्ट के बाद पैसा लेकर भाग जाती है। इसीलिए संभल कर पैसा लगाइए। हालांकि इसमें कई ब्रोकर्स भी होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट का ही सदस्य होते हैं। ये आपको सुझाव देंगे कि किस पर पैसा लगाए। कंपनी जब शेयर जारी करती है, उस वक्त किसी व्यक्ति या समूह को जितने शेयर देने हैं उसका विवेकाधीन अधिकार है। बाजार से शेयर खरीदने बेचने में कई शेयर ब्रोकर्स होते हैं, जो कि तय पारिश्रमिक लगभग 2% लेकर अपने ग्राहकों को यह सेवा देते हैं। भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब हम जानते हैं शेयर मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है और सेंसेक्स का निर्धारण BSE में लिस्टेड टॉप 30 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। सेंसेक्स BSE की टॉप 30 कंपनियों के प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है कि BSE में रजिस्टर्ड अधिकांश कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी तरह अगर सेंसेक्स गिरता है, इसका मतलब है कि अधिकांश कंपनियों का प्रदर्शन खराब रहा है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है और इसका निर्धारण NSE में लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब है कि NSE में रजिस्टर्ड कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और अगर निफ्टी घटता है तो इसका अर्थ है कि NSE की ने बुरा प्रदर्शन किया है। अब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली ट्रेडिंग होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन शेयर खरीद या उसे बेच दिया जाता है। मार्केट खुलने के बाद आप शेयर खरीदते हैं और मार्केट बंद होने से पहले उसे बेच देते हैं। स्कैल्पर ट्रेडिंग या शेयर ट्रेडिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें शेयर को खरीदने के 5-10 मिनट के अंदर ही बेच दिया जाता है। यह बहुत जोखिम भरा होता है। स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग थोड़े लंबे समय के लिए किया जाता है। इसमें आमतौर पर शेयर खरीदने के बाद उसकी डीमैट अकाउंट में डिलीवरी ले ली जाती है। इसे कुछ दिनों के अंदर बेचा जाता है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अगर आप किसी शेयर को खरीद कर लंबी अवधि के लिए रख लेते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के बाद अगर आप निवेशक के रूप में किसी शेयर को 6 महीने से लेकर कुछ साल तक बने रहे तो यह लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। यह थोड़ा सेफ होता है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो बताएं कमेंट सेक्शन में।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।